हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिकल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स आप ही को अपने चार लेसन तक, यानी फ्रेंड्स मैं आप ही को उनका नाम बताऊँ तो केमिस्ट्री आप कार्बोहाइड्रेट्स, केमिस्ट्री आप प्रोटीन्स, केमिस्ट्री आप न्यूक्लिक एसिड्स एंड कह सकते हैं इंडोडक्टरी मेडिकल केमिस्ट्री, इन चारों लेसन के अंतर्गत जितने भी मल्टीपल फॉर्म के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आप ही को समझा दिया है। और उन सभी वीडियो में आप ही ने अपना बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए फ्रेंड्स आप ही को तहे दिल से शुक्रिया। जैसा कि फ्रेंड्स आप ही जानते हैं कि सेकंड सेमेस्टर के थ्योरी क्लासेज में कुल मिलाकर फ्रेंड्स हम लोग को 8 ही चैप्टर हर हाल में कंप्लीट करने हैं, और उन 8 चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट भी करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप ही को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 4 तक था, चैप्टर नंबर 4 तक मैंने आप ही को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को बता दिए हैं। आज फ्रेंड्स हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है सॉलिड स्टेट, उससे भी जो भी संबंधित क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। और केवल 3 दिन के अंतर्गत फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि अपने 8 के 8वें लेसन को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकेंगे। और उसके बाद से मैं फ्रेंड्स आप को जो थ्योरी क्लासेज होंगी बहुत ही विधिवत तरीके से लाऊंगा, तो आप सभी टेंशन ना लें। मैं इस कार से फ्रेंड्स आप को क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस कार से मैं आप को ऑलरेडी इसलिए बता रहा हूं जिससे फ्रेंड्स आप को समझ में आ जाए कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे होंगे जिससे फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी कारण से मैं फ्रेंड्स आपके लिए बता रहा हूं। आप ही जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मल्टीपल फॉर्म के जो क्वेश्चन है बहुत ही कम देखना पसंद करते हैं, जैसा कि मैं आप ही को जानता भी हूं, तो ऐसा फ्रेंड्स ना करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो काफी टाइम सारा कह सकते हैं कि काफी सारा टाइम आप भी ऐसे निकाल देते हैं, तो मात्र 10 या 15 मिनट फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देखकर देखें, कुछ ना कुछ फ्रेंड्स जरूर से जरूर आपसे सीख कर जाएंगे। इतना मेरा फ्रेंड्स कहते हैं कि गारंटी है, मैं जरूर से जरूर इतना कह सकते हैं कि एक वादा ले सकता हूं कि फ्रेंड्स आप ही वीडियो को देखेंगे तो कंप्लीटली कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो प्लीज मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो के लाभ तो जरूर से जरूर बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स कि इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आखिरकार कौन सा है। देन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे मैंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर से जरूर अंकित लेक्चरर और बीएससी क्लास दोनों के दोनों को चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे जो फ्रेंड्स इन दोनों चैनल के माध्यम से आप ही को सेकंड सेमेस्टर की बहुत ही विधिवत तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो प्लीज़ जरूर से जरूर अंकित लेक्चरर और बीएससी क्लास दोनों के दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं फ्रेंड्स किसके अंतर्गत जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से जरूर ध्यान देना। ये फ्रेंड्स हमारे सभी के सभी क्वेश्चन मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन है उन्हीं को फ्रेंड्स मैं आपकी को बता रहा हूं, तो आप लोग यहां पर ध्यान देना कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड इज, यानी कह सकते हैं आपकी को फ्रेंड ध्यान देना बहुत ही सिंपल तरीके से, हिंदी मीडियम और जो इंग्लिश मीडियम है दोनों छात्रों को बहुत ही विधिवत तरीके से समझा दूंगा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड इज, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड सीजियम क्लोराइड है इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर आगे का फ्रेंड्स कैसा है। जस्ट फ्रेंड्स यही ये पूछ रहा है हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कि सीजियम स्ट्रक्चर जो यार कैसे फ्रेंड्स कि जो सीजियम क्लोराइड होता है इसका कह सकते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर आखिरकार कैसा होता है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको चार ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है बॉडी सेंटर्ड होते हैं, या फ्रेंड्स सिंपल क्यूबिक होते हैं, या फ्रेंड्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक होते हैं, या फ्रेंड्स हेक्सागोनल होते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका कह सकते हैं कि राइट ऑप्शन क्लिक करने का, या फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन आप ही बताने का प्रयास कीजिए कि जो फ्रेंड्स सीजियम क्लोराइड होते हैं इनका फ्रेंड्स आखिरकार जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जो कह सकते हैं कि क्रिस्टल संरचना होती है वो फ्रेंड्स आखिरकार कैसी होती है, क्या फ्रेंड्स ये बॉडी सेंटर्ड होती है, या फ्रेंड्स सिंपल क्यूबिक होती है, या फ्रेंड्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है, या फ्रेंड्स हेक्सागोनल होती है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स है हमारा बॉडी सेंटर्ड, यानी कह सकते हैं कि वी कैन आल्सो से कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड इज बॉडी सेंटर्ड। तो आप आपसे को जनरली कह सकते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट आप लोग ध्यान देना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि रेशियो ऑफ बेस इंडिसेस ऑफ ए फ्री ऑफ ए क्रिस्टल इज 1:0 इनफाइनाइट रेशियो इनफाइनाइट देन इट्स मिलर इंडिसेस विल बी, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये फ्रेंड्स आप ही दूसरा क्वेश्चन समझ गए तो तीसरा क्वेश्चन आप ही को तुरंत के तुरंत समझ आ जाएगा। तो प्लीज आप लोग हमारे सेकेंड क्वेश्चन पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना कि रेशियो ऑफ ए बेस इंडिसेस ऑफ ए फ्री ऑफ ए क्रिस्टल, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ऑफ ए फेस ऑफ ए क्रिस्टल,
करेंगे। यानी फ्रेंड्स ये लिखा गया है कि किसी क्रिस्टल की फेस पर या फिर किसी भी क्रिस्टल की कह सकते हैं कि फलक पर जो फ्रेंड्स बेस इंडिसेस होता है उसका जो फ्रेंड्स रेशियो है वो फ्रेंड्स कितना है, तो एक रेशियो अनंत है। यानी कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल की फलक पर जो फ्रेंड्स बेस इंडिसेस है, जो फ्रेंड्स बेस कह सकते हैं कि सूचकांक है, यहाँ फ्रेंड्स इंडिसेस का मतलब फ्रेंड्स सूचकांक होता है, तो आप लोग ध्यान देना बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप सभी को समझाऊंगा कि किसी भी क्रिस्टल के फेस पर, किसी भी क्रिस्टल की फलक पर जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बेस इंडिसेस का रेशियो होता है, जो फ्रेंड्स बेस सूचकांक का कह सकते हैं फ्रेंड्स की रेशियो होता है, वो फ्रेंड्स रेशियो एक अनंत अनुपात अनंत होता है, तो तब फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो मिलर इंडिसेस होता है, जो फ्रेंड्स मिलर सूचकांक होगा वो फ्रेंड्स आखिरकार क्या होगा। जस्ट फ्रेंड्स ये हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स यही पूछ रहा है कि किसी क्रिस्टल की फलक पर जो फ्रेंड्स बेस सूचकांक है उसका जो फ्रेंड्स रेशियो वो फ्रेंड्स एक अनुपात अनंत है, जबकि जो फ्रेंड्स हमारा मिलर इंडिसेस होगा, जो फ्रेंड्स मिलर सूचकांक होगा वो फ्रेंड्स आखिरकार क्या होगा, क्या हम कह सकते हैं कि जो हम लोग का मिलर सूचकांक होगा वो फ्रेंड्स 100 होगा, या फ्रेंड्स 00 कह सकते हैं फ्रेंड्स 011 होगा, या फ्रेंड्स 010 होगा, या फ्रेंड्स 1 कह सकते हैं कि 101 होगा, यानी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स वो 100 होगा, या फ्रेंड्स 11 होगा, या फ्रेंड्स 10 होगा, या फ्रेंड्स कहते हैं कि 101 होगा। तो देन फ्रेंड्स आपकी को जो चार के चारों ऑप्शन है वो फ्रेंड्स नजर आ रहे होंगे, तो देन फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स आप राइट ऑप्शन बताने का प्रयास करें। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स हमारा है सेकंड का, यानी फ्रेंड्स सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन, यानी कह सकते हैं कि ए जो फ्रेंड्स है इसका वो राइट ऑप्शन है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपकी कोई समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देना बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप सभी को समझाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि वेस इंडिसेस ऑफ ए फेस ऑफ ए क्रिस्टल आर इन द रेशियो 2:3:4 देन इट्स मिलर इंडिसेस विल बी, यानी जस्ट कह सकते फ्रेंड्स की सेकेंड क्वेश्चन की बात है, आप लोग ध्यान देना बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये भी समझ में, मैं ऐसा कहता हूँ कि आपको फ्रेंड्स ये समझ में आ ही गया होगा कि किसी क्रिस्टल की फेस का, यानी फ्रेंड किसी भी क्रिस्टल की फेस का जो बेस इंडिसेस है वो फ्रेंड्स कितना है, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 2:3:4 है, तो फ्रेंड्स इसका जो मिलर इंडिसेस है, जो फ्रेंड्स मिलर सूचकांक है वो फ्रेंड्स आखिरकार क्या होगा, क्या फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि इसका जो मिलर सूचकांक होगा वो फ्रेंड्स 634 होगा, या फ्रेंड्स 643 होगा, या फ्रेंड्स 234 होगा, या फ्रेंड्स 432 होगा। तो इन चारों ऑप्शन को आपके ध्यान में रखते हुए इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है उसे फ्रेंड्स बताने का प्रयास करें। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था ये फ्रेंड्स यही पूछ रहा था कि किसी भी कहते हैं कि क्रिस्टल के जो फलक होते हैं उनका जो बेस इंडिसेस, जो बेस सूचकांक होता है वो फ्रेंड्स 2:3:4 होता है, तो जो फ्रेंड्स इसका मिलर इंडिसेस होगा, जो फ्रेंड्स मिलर सूचकांक होगा वो फ्रेंड्स आखिरकार क्या होगा। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स हमारा 643 या फ्रेंड्स 643 कह सकते हैं फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको हमारा ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स आप ध्यान देना, हर एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल आर, आप लोग ध्यान देना फ्रेंड्स आपने इस क्वेश्चन को क्लास 10th में, 11th में, 12th में व 9th में काफी बार फ्रेंड्स पढ़ा होगा। ये फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपकी को जो आपने फ्रेंड्स क्लास 12th में कैसे थे आपने फ्रेंड्स एक सॉलिड स्टेट या फ्रेंड्स कहते हैं कि ठोस अवस्था को जरूर से जरूर पढ़ा होगा। तो उसके अंतर्गत फ्रेंड्स अपने अंतः केंद्रित कह सकते हैं कि काय जो होते हैं, फलक केंद्रित काय होते हैं, इसी प्रकार से फ्रेंड्स अनंत केंद्रित काय होते हैं। मैं हर एक पॉइंट को बहुत ही डीपली आपको समझाऊंगा, आप टेंशन ना लें। तो जस्ट फ्रेंड्स जो चौथा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कुछ यही क्वेश्चन इसी प्रकार से फ्रेंड्स पूछ रहा है कि इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स की जो फलक केंद्रित इकाई कोशिका होती है इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि कितने जो यूनिट सेल होते हैं, जो फ्रेंड्स कोशिका इकाइयां होती हैं वो फ्रेंड्स उस कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं उसके अंतर्गत फ्रेंड्स कितने कह सकते हैं फ्रेंड्स इसके पार्टिकल जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं फ्रेंड्स उसमें कह सकते हैं कि निहित होते हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी फलक केंद्रित जो फ्रेंड्स कोशिका इकाई होती है उसके अंतर्गत कितने सारे जो यूनिट सेल होते हैं, जो फ्रेंड्स कोशिका इकाइयां होती हैं वो फ्रेंड्स उसकी आखिरकार फ्रेंड्स कितने सारे कण उसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि विद्यमान रहते हैं। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है 2, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट या फ्रेंड्स 1, और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है 4, और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है 6। तो इन चारों ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए ये बताइए कि फलक केंद्रित जो फ्रेंड्स निकाय होते हैं उसके अंतर्गत आखिरकार फ्रेंड्स कितने पार्टिकल्स हैं, फ्रेंड्स कितने कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो यूनिट सेल्स होते
होते हैं वो फ्रेंड्स पाए जाते हैं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स हमारा है फोर्थ। यानी हम कह सकते हैं कि जो फलक केंद्रित निकाय होते हैं इसके चारों कोनों पर या फ्रेंड्स इसके चारों कसर फ्रेंड्स की पार्टिकल जो होते हैं फ्रेंड्स उसमें कुल मिलाकर चार ही जो पार्टिकल मेन होते हैं उन्हीं से फ्रेंड्स कहते हैं कि वो रिज्यूम होता है। फ्रेंड्स कहते हैं कि उसी से मिलकर वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट उसका होता है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स आपकी कुमार चौथा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप सभी टेंशन ना लें, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही विधिवत तरीके से करेंगे। मैं आपकी को जो थ्योरी क्लास प्रोवाइड करूंगा तो आपकी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। आप लोग ध्यान देना, क्योंकि फ्रेंड्स आप अभी क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन किस लेवल तक पूछे जाते हैं, क्या बहुत हाई लेवल के हैं, लो लेवल के, आप फिर इतना तो देख ही सकते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो जाएगा। और यह फ्रेंड्स उस आइडिया के साथ आप फिर कह सकते हैं कि अपनी पढ़ाई करेंगे तो बहुत कुछ ज्यादा ही सीखेंगे। तो आप लोग ध्यान देना। देखिए फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन कौन सा है कि इन ए क्यूबिक क्रिस्टल टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर, यानी कह सकते हैं कि इन ए क्यूबिक क्रिस्टल टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर, यानी कह सकते हैं कि किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में, किसी भी फ्रेंड्स घन कह सकते हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं क्रिस्टल में कितने सारे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो फ्रेंड्स उसमें सिमेट्री रहते हैं, उसमें कह सकते हैं कि सम्मिति के रूप में उसी में फ्रेंड्स इंक्लूड रहते हैं। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको चार ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है वो फ्रेंड्स 9, सेकंड ऑप्शन है 13, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट यानी फ्रेंड्स 1, और इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा 23। तो इन चारों ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए ये बताइए कि जो फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है 23, या फिर इसका जो डी ऑप्शन है वो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप को पांच के पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर से जरूर ध्यान देना, आप ही को 110% ये भी समझ में आ जाएगा कि द लोवेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज, यानी कह सकते हैं कि द लोवेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिसेस इज, यानी जो क्रिस्टल लैटिसेस होते हैं इनकी फ्रेंड्स लोवेस्ट यूनिट आके फ्रेंड्स क्या होती है, फ्रेंड्स जस्ट यही पूछ रहा है कि द लोवेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, जो फ्रेंड्स क्रिस्टल लैटिस होते हैं इसकी फ्रेंड्स लोवेस्ट जो यूनिट होती है वो फ्रेंड्स कैसी होती है। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या वो कह सकते हैं कि लैटिक प्लेन होती है, या फ्रेंड्स वो यूनिट सेल होती है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, या फ्रेंड्स वो कह सकते हैं कि स्पेस लैटिक होती है। तो आप लोग जरूर से जरूर इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए ये बताइए कि द लोवेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटी इज, यानी कह सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन फ्रेंड्स कौन सा इसका राइट ऑप्शन है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो छठवां नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा कि द लोवेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटी इज यूनिट सेल। तो आपको 110% ये भी समझ में आ जाएगा कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस का कह सकते हैं कि जो लोवेस्ट यूनिट सेल होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, तो वो फ्रेंड्स हमारा यूनिट सेल होता है। तो आप सबको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इन द सिंपल क्यूबिक सिस्टम, या फ्रेंड किसी भी कह सकते हैं कि साधारण क्यूबिक या फ्रेंड्स घन कह सकते हैं तंत्र में प्लेन्स अब्सेंट विल बी, जो फ्रेंड्स प्लेन्स होते हैं वो फ्रेंड्स कैसे होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो क्या फ्रेंड्स उसका जो कहते हैं कि जो मान होता है फ्रेंड्स वो कहते हैं 110 होता है, वो फ्रेंड 220 होता है, या फ्रेंड्स 111 होता है, या फ्रेंड्स 100 होता है। तो इन चारों आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए आप भी फ्रेंड्स इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि किसी भी सिंपल क्यूबिक सिस्टम में जो फ्रेंड्स प्लेन्स होते हैं वो फ्रेंड्स अब्सेंट होते हैं, कितने अब्सेंट होते हैं, क्या फ्रेंड्स 110 अब्सेंट होते हैं, फ्रेंड 220 अब्सेंट होते हैं, फ्रेंड्स 111 अब्सेंट होते हैं, या फ्रेंड्स 100 अब्सेंट होते हैं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो सातवां नंबर क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो सातवां नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स हमारा है बी ऑप्शन, यानी कैसे फ्रेंड्स कि 220 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप को हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है, आप लोग ध्यान देना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिस आर पॉसिबल इन ए क्रिस्टल, यानी कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में कितने सारे स्पेस जो लैटिस होते हैं वो फ्रेंड्स कहते हैं कि पॉसिबल हो सकते हैं, फ्रेंड्स उसमें कह सकते हैं फ्रेंड्स वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो क्या फ्रेंड्स हम किसी भी क्रिस्टल कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में कितने सारे जो स्पेस लैटिसेस होते हैं फ्रेंड्स कहते हैं कि उसमें पॉसिबल हो सकते हैं, क्या फ्रेंड्स 23 उसमें कह सकते हैं कि फ्रेंड्स पॉसिबल हो सकते हैं, या फ्रेंड्स 7 पॉसिबल हो सकते हैं, या फ्रेंड 2 कह सकते हैं कि 130 पॉसिबल हो सकते हैं, फ्रेंड्स 14 पॉसिबल हो सकते हैं।
तो इन चारों आपन को ध्यान में रखते हुए आपसे ये बताइए कि किसी भी क्रिस्टल में कितने सारे कहते हैं कि जो स्पेस लैटिसेस होते हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं, क्या फ्रेंड्स 230 पॉसिबल हो सकते हैं, या फ्रेंड्स केवल 7 ही पॉसिबल हो सकते हैं, या फ्रेंड्स कहते हैं कि 230 पॉसिबल हो सकते हैं, या फ्रेंड्स 14 पॉसिबल हो सकते हैं। तो इन चारों आपन को ध्यान में रखते हुए आप इसका करेक्ट ऑप्शन बताने का प्रयास करें। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 8वां नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा 14 है। फ्रेंड्स 14 कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स स्पेस लैटिसेस होते हैं वो फ्रेंड्स इसके कैसे इसमें फ्रेंड्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी अरेंजमेंट इज, यानी कह सकते हैं कि जो बॉडी सेंटर्ड सेल्स होते हैं जो फ्रेंड्स बीसीसी होते हैं इसमें फ्रेंड्स कितने सारे जो एटम्स होते हैं उनका फ्रेंड्स जो नंबर होता है फ्रेंड्स उसमें कहते हैं कि अरेंजमेंट रहता है, फ्रेंड्स उनकी क्रम व्यवस्था बनी रहती है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप ही ध्यान देना, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान में देखते हुए आप ये बताइए कि किसी भी बीसीसी अरेंजमेंट में किसी भी फ्रेंड्स बॉडी सेंटर जो कसने के सेल होते हैं उनके अरेंजमेंट में उनकी क्रम व्यवस्था में कितने सारे कसने के एटम्स के नंबर होते हैं, क्या फ्रेंड्स वो 4 होते हैं, फ्रेंड 4 होते हैं, या फ्रेंड 6 होते हैं, या फ्रेंड 2 होते हैं, फ्रेंड्स 1 होते हैं। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आप इसका करेक्ट ऑप्शन बताने का प्रयास करें। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, या फ्रेंड फर्स्ट कह सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 10वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है, आप लोग ध्यान देना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपसे को ये भी समझाऊंगा कि फॉर द सॉलिड स्टेट इज अनट्यू, यानी कह सकते हैं कि इसमें से फ्रेंड्स ऐसा कौन सा कथन है जो फ्रेंड ठोस अवस्था के लिए कह सकते हैं कि असत्य है। तो इन चारों आपन को हम देखते हैं और इसमें बताते हैं फ्रेंड्स आप को कि इसमें से हमारा ऐसा कौन सा कथन है जो फ्रेंड्स किसी भी कह सकते हैं कि फ्रेंड जो सॉलिड अवस्थाएं होती हैं उनके लिए फ्रेंड्स असत्य होता है। तो आप लोग फ्रेंड्स ध्यान देना, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला आपन है वो फ्रेंड्स कह रहा है कि इट इज ए हाई वेपर प्रेशर, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो सॉलिड स्टेट होते हैं इनमें फ्रेंड्स कहते हैं कि हाई वेपर प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा कहते हैं फ्रेंड्स इसमें वेपर प्रेशर होता है। तो क्या फ्रेंड्स आपने सॉलिड स्टेट में इस नामक कहते हैं फ्रेंड्स जो ये कहते हैं बातें बताई जा रही फ्रेंड्स इसके बारे में आपने कभी सुना, मुझे तो नहीं लगता फ्रेंड्स कि जो सॉलिड स्टेट होते हैं इनमें फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हाई कहते हैं कि वेपर प्रेशर होती है। उसके आगे भी देखते हैं फ्रेंड्स कि कुछ और भी कहते हैं कि इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट आपको मिल रहे हैं। तो आप लोग ध्यान देना कि इट्स मॉलिक्यूल हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसा कि फ्रेंड्स आपको मैंने बताया भी था कि जो फ्रेंड्स सॉलिड स्टेट होते हैं इनके अंतर्गत जो फ्रेंड्स अणु होते हैं जो फ्रेंड्स हमारे परमाणु होते हैं फ्रेंड्स जो आयन होते हैं वो फ्रेंड्स आपस में कसने की बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी के साथ फ्रेंड्स ये कंज्यूम रहते हैं फ्रेंड्स कसने की इसमें मॉलिक्यूल्स कहते हैं कि एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स इसके लिए तो फ्रेंड्स ये ट्रू है या फ्रेंड्स ये सत्य है, तो ये फ्रेंड्स अनट्रू तो हो नहीं पाएगा। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स आगे भी और क्या है। तो उसके आगे फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है कि इट हैज ए डिफाइन शेप एंड ए डिफाइन वॉल्यूम, यानी कह सकते हैं कि जो सॉलिड स्टेट होते हैं ये फ्रेंड्स एक शेप को या कह सकते फ्रेंड्स किसी भी वॉल्यूम को फ्रेंड्स किसी भी आकृति को और आयतन को दोनों की दोनों को डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेंड्स जिनकी भी कसने की सॉलिड स्टेट होती हैं जिनकी भी फ्रेंड ठोस अवस्थाएं होती हैं वो फ्रेंड्स शेप को और वॉल्यूम को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स कहते हैं कि सॉलिड स्टेट के लिए ट्रू है, तो जस्ट फ्रेंड्स ये भी छूट जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है, तो ये फ्रेंड्स है कि इट हैज ए हाई डेंसिटी एंड ए लो कंप्रेसिबिलिटी, यानी कह सकते हैं कि इसके पास हाई डेंसिटी है फ्रेंड्स उच्च घनत्व एंड ए लो कंप्रेसिबिलिटी फ्रेंड्स कहते हैं कि बहुत ही कम इसके पास क्या है फ्रेंड्स तो कंप्रेसिबिलिटी है फ्रेंड्स संपीड्यता है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि ये भी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो जस्ट फ्रेंड्स इसका जो अंतरी ऑप्शन होगा वो फ्रेंड्स कौन सा होगा, तो आप लोग ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स मार्क क्वेश्चन ये फ्रेंड्स यही तो पूछ रहा है कि फॉर द सॉलिड स्टेट इज अंतरी, या फ्रेंड्स सॉलिड स्टेट के लिए इसमें कौन आगे का फ्रेंड्स अंतरी है या फ्रेंड्स असत्य है। तो मैं आपको बताऊं कि जो फ्रेंड 10वां नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि इट हैज ए पेपर प्रेशर, फ्रेंड्स इसके पास वेपर कहते हैं कि उच्च वेपर प्रेशर होता है, तो ये फ्रेंड्स इसका कहते हैं फ्रेंड्स कि असत्य कथन हो जाएगा। और इसके आगे जो फ्रेंड्स तीन के तीनों हमारे ये जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कैसे हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स इसके लिए सत्य है फ्रेंड्स इसके आप कहते हैं कि इसके करेक्टर में या फ्रेंड्स इसके डिफिनेशन के रूप में आप इसे इन सभी पॉइंट को जोड़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको जो मैंने 10वां क्वेश्चन बताया है या फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन बताए वो सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, और फ्रेंड्स आप थ्योरी क्लास के लिए टेंशन ना लें, थ्योरी क्लास के लिए फ्रेंड्स मेरे पास हद से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं और मैं फ्रेंड्स हर एक कमेंट को रीड भी करता हूं, ऐसा फ्रेंड्स नहीं कि किसी भी कमेंट को रीड नहीं करता हूं। आप ही के फ्रेंड थ्योरी क्लासेस भी दूंगा उसी की तैयारी में फ्रेंड्स लगा हूं, बहुत ही विधिवत तरीके से लिए आपकी वीडियो आएगी, आपसे टेंशन ना लें, बहुत ही कैसे कि इस बार मैं फ्रेंड्स बता दूं बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी वीडियो आएगी, आपसे टेंशन ना लें फ्रेंड्स। पहले क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास करें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस चलाई जाएंगी। बीएससी लेक्चरर और अंकित लेक्चरर दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
क्योंकि जब फ्रेंड्स वीडियो आने लगेगी फ्रेंड तो ताबड़ तोड़ यानी कि फ्रेंड्स की बहुत ही जबरदस्त तरीके से आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।